नमस्कार ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मेरी कार और ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह कार है, ये इसमें मैंने सारा चीज़ें खोल के रखा है। अगर आप देखेंगे ये तो ये बम्पर गार्ड है पूरा, और पूरा बम्पर वगैरह हमने सारा उतार दिया क्योंकि दोस्तों इसमें है प्रॉब्लम इसकी। ये दोस्तों हमारी कार का रेडिएटर, और रेडिएटर में हुआ क्या दोस्तों, कल मैं गया था भटिंडा तो वहाँ पर ये लीक हो गया। जो इसकी टंकी है दोस्तों, ऊपर प्लास्टिक की टंकी होती है, ये लीक होगी तो मैंने यहाँ पे कुछ एमसील वगैरह लगाई ताकि इससे रुक जाए, तो थोड़ा बहुत रुका लेकिन अब ठीक है। अभी गर्मी है तो कहीं कार ओवरहीट ना हो जाए, लीकेज थोड़ा बहुत कर रहा है ये, तो इसको हमें रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो इसीलिए सारा तामझाम मैंने खोल के रखा है, काफ़ी लंबी वीडियो ना बन जाए इसलिए मैंने ये पहले ही खोल के रखा सब कुछ। तो चलिए अभी इस टंकी को हम खोलेंगे दोस्तों और इसमें डालेंगे नई टंकी ताकि ये लीकेज बंद हो जाए और हमारी कार कभी भी ओवरहीट ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों इसका प्रोसेस किस तरीके से मैं करता हूँ, और पूरा ये हमें फिर क्लीन करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से वर्क कर पाए। तो चलिए अभी खोलते हैं इस टैंकी को और दिखाता हूँ मैं किस तरीके से इसको खोलते हैं। तो दोस्तों ये रही इसकी टैंक, आप देख पा रहे हैं ये है प्लास्टिक का, और आप ये देख रहे हैं दोस्तों ये जो इसको होल्ड करने के लिए ये खांचे बनाए गए हैं। अब ये जो खांचे हैं सारे हमें खोलने पड़ेंगे एक एक करके, सारे के सारे खांचे हमें यहाँ से इस तरीके से खोलने पड़ेंगे, फिर ये टैंक ऊपर आ जाएगा। फिर जब हम नया टैंक लगाएंगे तो इसको, इन खांचों को इस तरीके से टाइट करके बंद कर देंगे ताकि कोई लीकेज इसमें ना रहे। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं इसके खांचों को खोल लेते हैं। और दोस्तों आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि मैं कोई कार मैकेनिक हूँ या कुछ हूँ, नहीं दोस्तों मैं कोई कार मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई पैसा बचा रहा हूँ, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इसमें रकम लगती नहीं इसको ठीक करने में, इसको ठीक करने में 1000 से 1200 रुपये लगते हैं बस। और अभी मैंने टैंक मंगाया तो वो 500 रुपये का है बस। हाँ हालांकि 600-700 रुपये उसमें बच भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 600-700 बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये मेरा पैसन है और मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। और मैं कोई मैकेनिक वाला काम नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता। तो चलिए ये तो हमारे सारे मैंने खोल दिए लॉक, तो चलिए खोलते हैं टैंक को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। अरे बाप रे बाप, ओहो आप हालत देख रहे हैं इसकी, क्या हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं दोस्तों अभी क्लीन, और फिर इसके बाद करते हैं इसमें दूसरी टंकी डालते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी हमारे सामने खुला पड़ा रेडिएटर, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ किस तरीके से हमारे जो लिक्विड होता है, जो हमारा कूलेंट होता है, उसको ठंडा करता है। ये जो आपको सारे ये छेद दिखाई दे रहे दोस्तों, ये इतने सारे छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कूलेंट इन छेदों में जाता है, ठीक है। जाने के बाद देखिए आप, तो ये रही पाइप, ये जो लंबी लंबी आपको दिख रही है ये रही पाइप, ठीक है। ये रहा हमारा हॉर्स पाइप, यहाँ से हमारा हॉर्स पाइप लगा होता है जो इंजन में जाता है, ठीक है। और ये वो है दोस्तों, यहाँ से हमारे जो कूलेंट बॉक्स होता है इसके अंदर हमारा कूलेंट आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा, जब हम कूलेंट को निकालते हैं, जब चेंज करते हैं, जब दूसरा करते हैं तो इसको खोलते हैं, फिर आके यहाँ से सारा निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये आर पार दिख रहा, अगर ये सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ख़राब नहीं करना चाहता हूँ अपनी कार को। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो ये बंद हो जाएगा। ये अगर ये ऐसा बहुत कुछ हो जाता है इसमें तो होगा क्या, जो हमारे इसके पीछे जो फैन लगा रहा था, हमारा रेडिएटर फैन होगा, तो यहाँ से एयर को ले नहीं पाएगा वो और ठंडा नहीं कर पाएगा। रेडिएटर फैन पीछे होता है, वो आगे से हवा को अंदर की तरफ खींचता है ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो ठंडा रहे, तो वो अंदर तक जा नहीं पाएगी वो हवा और ये ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारी कार इसमें ओवरहीट हो जाएगी। तो सारा कुछ यहाँ पे खुला पड़ा, तो मैं आपको एक एक करके बता दूँ कौन सा पार्ट्स क्या होता है, क्या क्या वगैरह काम करता है। देखिए दोस्तों जो आप एंगल देख रहे हैं, इतना मजबूत सा एंगल, ये कुछ इस तरीके से हमारी कार में लगा रहता है। ये इसलिए लगा रहता है दोस्तों ताकि हमारी कार में जो भी टक्कर लगे, छोटी मोटी जो टक्कर लगे, वो इसको वो प्रोटेक्ट कर पाए हमारी कार को इन चीज़ों से, डैमेज होने से। ये आप देखेंगे तो बहुत कॉस्टली आता है, ये भी बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन ये उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता हमारे कार का। ये बम्पर के अंदर लगा रहता है, इसके बाहर हमारे कार का बम्पर वगैरह लगा रहता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। ये है दोस्तों हमारे एसी का कंडेंसर, जो एसी कंडेंसर होता है दोस्तों, यहाँ से हमें जो ये फ़ैन लगा पड़ा दोस्तों अंदर, आप देख पाएंगे ये है हमारा रेडिएटर फ़ैन, तो इसका भी वही काम रहता है दोस्तों ये, ताकि इसको ठंडा कर पाए ये, तो इसलिए ये फ़ैन यहाँ पे लगाया गया। और ये हमारा एसी का कंडेंसर। तो देख रहे दोस्तों ये रहा हमारा इंजन, इसके कवर मैंने सारा हटा लिया अभी, और यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर का बॉक्स रहता है दोस्तों 500 रुपये का। तो चलिए इसको करते हैं इसके अंदर इंस्टॉल और लगाते हैं इसको कुछ इस तरीके से। चलिए ये आ चुका है परफेक्ट।
तो चलिए दोस्तों, ये हो चुका सारा कंप्लीट और सारा हमने यहाँ से इसको बिल्कुल टाइट कर लिया। तो चलिए, ये लग गई हमारी नई टैंक रेडिएटर के ऊपर। तो चलिए इसको करते हैं फिट और देखते हैं कोई लीकेज वगैरह इसमें रहेगी तो नहीं। वैसे तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लगा के एक बार इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको फिट। तो ये हमारा रेडिएटर और ये है रेडिएटर का फ़ैन, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे इसको फिट, ताकि हमारा काम ईजी हो पाए। तो चलिए अभी करते हैं इसको यहाँ पर फिक्स, और कुछ इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी अब इसको लगाने के लिए। तो चलिए, रेडिएटर तो हो चुका हमारा फिक्स, अब करते हैं एसी के कंडेंसर को भी कुछ इस तरीके से फिक्स, फिर उसके बाद करेंगे कुछ इसको इस तरीके से फिक्स यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, सारा काम हो चुका है कार का, सारा कुछ हमने फिट कर लिया। तो चलिए अभी बात टाइम आता है इसका चेक करने का, क्या ये कोई लीकेज वगैरह तो नहीं कर रहा। अभी मैं करूँगा दोस्तों इसमें पानी का यूज़, क्योंकि इसमें कूलेंट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर कोई लीकेज वगैरह हो गई तो सारा कूलेंट हमारा गिर जाएगा। तो चलिए अभी डालते हैं इसमें पानी, कर लेते हैं पहले कार को स्टार्ट और फिर डालते हैं इसमें पानी कूलेंट बॉक्स में। तो अगर कोई भी लीकेज होगी तो यहाँ पे पूरा पानी वगैरह सारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो चलिए अभी इसको भर लेते हैं पूरा और फिर देखते हैं यहाँ से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं होगी। अगर होगी तो हमें अभी पता लग जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा इसको टाइट करना पड़ेगा जहाँ से कोई लीकेज वगैरह होगी। तो दोस्तों, पानी वगैरह तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, जितनी कार को ज़रूरत है उस हिसाब से हमने कार को काफ़ी देर स्टार्ट भी किया, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लीकेज वगैरह नहीं है। अगर लीकेज होती तो जो हमने नया डाला यहाँ पे सारी लीकेज होती है। पुराना वाला आप अगर देखोगे तो वो यहाँ से क्रैक हो चुका था, पूरा यहाँ से क्रैक हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा कूलेंट हमारा बाहर आ जाता था उससे। तो इसी वजह से दोस्तों हमें इसको रिप्लेस कराना पड़ा। तो सारा का सारा ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बाकी चीज़ें आप लगाते हैं कार में और फिर करते हैं कार को बंद। तो चलिए दोस्तों, अभी तो सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका, आप देख सकते हैं। ये है हमारी नई टंकी जो हमने रेडिएटर के ऊपर लगाई है, और ये है वो पुरानी टंकी दोस्तों जो हमने रिप्लेस की है। और मैं आपको दिखाऊं इसमें दिक्कत कहाँ थी। ये जो क्रैक आप देख पा रहे हैं, ये सारा इसमें क्रैक था, और ये वक्त के साथ आता, जब चीज़ें पुरानी हो जाती तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसा नहीं कि ये कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ जब जाके ऐसा हुआ, लेकिन नहीं, ये वक्त के साथ साथ इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती। तो चलिए अभी हमारा काम तो हो गया, हमने कर ली इस रिप्लेस और हमारा काम परफेक्ट चल रहा था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।